यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश का कोरोना का हाल आपने जान लिया, आप जान लीजिए कि उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में 764 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस आए उत्तराखंड। 24 घंटे के भीतर 764 नए संक्रमित केसेस और अब उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या 47,000 से ज्यादा हो गई। 47,000 पार कर गए संख्या, उसमें 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 574 लोगों की अब तक उत्तराखंड में कोरोना की वजह से मौत हो गई है। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि पहाड़ों से अब लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। पहले मैदानी हिस्सों से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन अब पहाड़ी जो जिले हैं, जो सीमांत इलाके हैं, वहां तक कोरोना पहुंच चुका है, लोगों को अपनी जद में ले रहा है, संक्रमित कर रहा है। और इस बीच में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं उत्तराखंड में और 47,000 के पार संक्रमित हो चुके हैं। देश का कोरोना का हाल आपने जान लिया, आप जान लीजिए कि उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में 764 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस आए उत्तराखंड। 24 घंटे के भीतर 764 नए संक्रमित केसेस और अब उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या 47,000 से ज्यादा हो गई। 47,000 पार कर गए संख्या, उसमें 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 574 लोगों की अब तक उत्तराखंड में कोरोना की वजह से मौत हो गई है। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि पहाड़ों से अब लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। पहले मैदानी हिस्सों से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन अब पहाड़ी जो जिले हैं, जो सीमांत इलाके हैं, वहां तक कोरोना पहुंच चुका है, लोगों को अपनी जद में ले रहा है, संक्रमित कर रहा है। और इस बीच में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं उत्तराखंड में और 47,000 के पार संक्रमित हो चुके हैं। देश का कोरोना का हाल आपने जान लिया, आप जान लीजिए कि उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में 764 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस आए उत्तराखंड। 24 घंटे के भीतर 764 नए संक्रमित केसेस और अब उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या 47,000 से ज्यादा हो गई। 47,000 पार कर गए संख्या, उसमें 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 574 लोगों की अब तक उत्तराखंड में कोरोना की वजह से मौत हो गई है। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि पहाड़ों से अब लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। पहले मैदानी हिस्सों से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन अब पहाड़ी जो जिले हैं, जो सीमांत इलाके हैं, वहां तक कोरोना पहुंच चुका है, लोगों को अपनी जद में ले रहा है, संक्रमित कर रहा है। और इस बीच में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं उत्तराखंड में और 47,000 के पार संक्रमित हो चुके हैं। देश का कोरोना का हाल आपने जान लिया, आप जान लीजिए कि उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में 764 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस आए उत्तराखंड। 24 घंटे के भीतर 764 नए संक्रमित केसेस और अब उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या 47,000 से ज्यादा हो गई। 47,000 पार कर गए संख्या, उसमें 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 574 लोगों की अब तक उत्तराखंड में कोरोना की वजह से मौत हो गई है। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि पहाड़ों से अब लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। पहले मैदानी हिस्सों से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन अब पहाड़ी जो जिले हैं, जो सीमांत इलाके हैं, वहां तक कोरोना पहुंच चुका है, लोगों को अपनी जद में ले रहा है, संक्रमित कर रहा है। और इस बीच में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं उत्तराखंड में और 47,000 के पार संक्रमित हो चुके हैं। देश का कोरोना का हाल आपने जान लिया, आप जान लीजिए कि उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में 764 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस आए उत्तराखंड। 24 घंटे के भीतर 764 नए संक्रमित केसेस और अब उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या 47,000 से ज्यादा हो गई। 47,000 पार कर गए संख्या, उसमें 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 574 लोगों की अब तक उत्तराखंड में कोरोना की वजह से मौत हो गई है। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि पहाड़ों से अब लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। पहले मैदानी हिस्सों से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन अब पहाड़ी जो जिले हैं, जो सीमांत इलाके हैं, वहां तक कोरोना पहुंच चुका है, लोगों को अपनी जद में ले रहा है, संक्रमित कर रहा है। और इस बीच में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं उत्तराखंड में और 47,000 के पार संक्रमित हो चुके हैं।